इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दिल्ली से बता रहे हैं। शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत मिली है, 177 दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, गिरफ्तारी पर अलग राय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल ने सीबीआई को फटकार भी लगाई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। पिंजरे के तोते वाली छवि से बाहर आए सीबीआई, जस्टिस उज्जवल का ऐसा कहना है। साथ ही आपको बता दें कि ईडी केस में जमानत मिलने पर सीबीआई एक्टिव हो जाती है। गिरफ्तारी की ताकत का सोच समझ कर इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई को फटकार लगाई गई है। आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। शराब नीति केस को जमानत दे दी गई है। 177 दिन बाद केजरीवाल जेल से अब बाहर आएंगे। दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत हुए हैं और वहीं गिरफ्तारी पर अलग अलग राय है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि पिंजरे के तोते वाली छवि से सीबीआई को बाहर आने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ईडी केस में जमानत मिलने पर सीबीआई एक्टिव हो जाती है और गिरफ्तारी की ताकत का सोच समझ कर इस्तेमाल होना चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीबीआई को फटकार लगाई गई है और साफ ही कहा है कि गिरफ्तारी की ताकत का सोच समझकर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ये केजरीवाल को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शराब नीति केस में केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 177 दिन से वो जेल में बंद है, जिसके बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे और दो जजों की बेंच ने आज अपना फैसला सुनाया है। वो जमानत पर एक पद नजर आए, वही गिरफ्तारी पर अलग अलग राय सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल ने सीबीआई को इस पूरे मामले को लेकर फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि पिंजरे के तोते वाली छवि से सीबीआई को बाहर आने की जरूरत है। कहीं ना कहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद वो सीबीआई के शिकंजे में थे और 177 दिन से वो जेल में बंद थे, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर ये बड़ा फैसला सुनाया है और अब 177 दिन बाद वो जेल से बाहर आएंगे।